आप सभी को नमस्कार। आप देखिए IIT BHU के प्रांगण में आज ज्योतिया पूजन हो रहा है। ये माँ बच्चों के लिए पूजा रखती हैं, निर्जला व्रत है ये है। और आप देख सकते हो ये पहली IIT है जिसके प्रांगण में ये आध्यात्मिक सुख और आध्यात्मिक पूजन स्थल का मौका मिलता है सभी को। आप देख सकते हो सूरज ढलने को है। आप IIT BHU का लिखा हुआ भी देख सकते हैं। और मेले की तरह लगता है। देखिए लोग आए हुए हैं, आपको दिखाता हूँ मैं इस पूजन स्थल की बारीकियाँ। देखिए कहिए कहिए आप। नहीं हाँ नहीं अब नहीं, हमें पसंद है बेटा। अच्छा हमें नहीं पसंद है कार्यक्रम, हमें पसंद। आप देख सकते हो ठीक है, लोग कथा कहते हैं इस तरीके से। और लोग कथा सुनते भी हैं बहुत भीड़ में ध्यान से। हाँ ये बताइए, नमस्कार, मुझे ये बताइए किस चीज़ की पूजा होती है यहाँ पे? जितवाहन गोसाई की पूजा होता है। जितवाहन गोसाई, अच्छा इसमें किस लिए करते हैं लोग, किस लिए करते हैं ये पूजा? ये अपना पति के लिए होता है, अपना बच्चे लड़का के लिए होता है। पति के लिए तो तीज होता है ना, ये ज्योतिया है। ये तो माता पिता के लिए हो वाला। अच्छा माता पिता के लिए। आपको कुछ गीत याद है? कुछ गीत याद है? पढ़ा लिखा ना बात, कोई बात नहीं, इतिहास के बारे में। ठीक है आप देख सकते हैं इस तरीके से ज्योतिया पूजा का आयोजन हो रहा है। और इसमें आप देखिए इनके तो चांदी है। नमस्कार नमस्कार, बेचिए बेचिए। और ये बच्चों के लिए रखा हुआ है लोगों ने, आप ये देखो बच्चों के लिए सारी चीज़ें लगा कर रखता है। मतलब एक संपूर्ण मेले का आप एहसास देख सकते हो इस छोटे से हिस्से में जो IIT BHU का हिस्सा है। BHU का भी है, BHU का भी हिस्सा है। ठीक है सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं इस ज्योतिया पर्व के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।